हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ पार्ट टू चैप्टर वन, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। आज मैं आपको बताऊंगी बजट निर्माण के सिद्धांत, पारिवारिक बजट की बाधाएं, पारिवारिक बजट निर्माण के लाभ, एंजल्स का नियम, प्रतिदर्श बजट का निर्माण करना। पहला है बजट निर्माण के सिद्धांत। सिद्धांतों के आधार पर पारिवारिक बजट को निर्मित किया जाना चाहिए। बजट के सिद्धांतों का पारिवारिक बजट में प्रयोग करके सुगमता से उसके लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। बजट को बनाने के समय निम्नांकित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। नंबर एक, परिवार की आय का अनुमान। बजट में आय का ठीक ठीक प्रावधान, आय का सही ज्ञान करके ही किया जा सकता है। नंबर दो, बचत की व्यवस्था। आय से कम व्यय के लक्ष्य की प्राप्ति बजट में बचत के सिद्धांत को महत्व देकर की जा सकती है। बजट का लचीलापन। बजट का आधार लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप उसको ढाला जा सकता है। सदस्यों की अभिरुचियाँ। बजट का निर्माण परिवार के समस्त सदस्यों की रुचियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य की पसंद अलग अलग होती है। इसीलिए बजट उनकी रुचियों के अनुसार बनाना चाहिए। आवश्यकताओं का क्रम। परिवार में आवश्यकताओं की संतुष्टि का क्रम उनकी तीव्रता के अनुसार ही निश्चित करना चाहिए। वरीयता के क्रम में आवश्यकताओं को स्थान प्रदान करके भली प्रकार से इस सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। नंबर छः, पुनः परीक्षण। परिस्थितियों के अनुसार बजट में परिवर्तन करने की व्यवस्था को पुनः परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक इज पारिवारिक बजट की बाधाएं। पारिवारिक बजट का निर्माण करना सरल कार्य नहीं है, अर्थात यह एक कठिन कार्य है। इसका निर्माण करते समय निम्नलिखित बाधाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सकती हैं। नंबर एक, अशिक्षा। यदि गृहिणियां शिक्षित ना हो तो वह परिवार को बजट के लाभों से वंचित रख सकती हैं। अतः पारिवारिक बजट के निर्माण में गृहिणियों की अशिक्षा तथा अज्ञानता सबसे बड़ी बाधा है। नंबर दो, रूढ़िवादिता। पारिवारिक बजट निर्माण के मार्ग में समाज की परंपराएं तथा परिवार की रूढ़ियां भी बाधाओं की उत्पत्ति कर सकती हैं। नंबर तीन, उदासीनता। बजट के प्रति उदासीन होने के कारण अधिकांश गृहिणियों द्वारा बजट निर्माण में पूर्ण रुचि नहीं ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बजट लाभप्रद तथा कल्याणकारी नहीं बन पाता है। नंबर चार, सदस्यों की अभिरुचियाँ। परिवार में सदस्यों की संख्या अनेक होती है और समस्त सदस्यों की भोजन, वस्त्र एवं जीवन शैली की अभिरुचियों में भिन्नता होती है। पारिवारिक बजट के अंतर्गत इन अभिरुचियों को आय की सीमाओं में रहकर समुचित स्थान प्रदान करना एक गंभीर चुनौती है। पारिवारिक बजट निर्माण के लाभ। नियोजन के इस युग में परिवार उतना ही सुखी तथा समृद्ध होगा, पारिवारिक अर्थव्यवस्था जितनी नियोजित होगी। गृहिणी पारिवारिक बजट से स्वयं लाभान्वित होने के साथ साथ समाज सुधारकों, अर्थशास्त्री तथा वित्त मंत्री को भी लाभ पहुंचा सकती है। निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से हम पारिवारिक बजट के लाभ को समझ सकते हैं। नंबर एक, पारिवारिक बजट का गृहिणी के लिए महत्व या लाभ। आय का समुचित उपयोग होता है, साधनों का सदुपयोग होता है, मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है, ऋण से सुरक्षा होती है, आय व्यय का संतुलन बना रहता है, बचत कराने में सक्षम होता है। नंबर दो, समाज सुधारकों को लाभ। नंबर एक, पारिवारिक बजट समाज सुधारकों को सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान करा देते हैं। नंबर दो, सामाजिक कुरीतियों
के कारणों का पता लगा लेते हैं। नंबर 3, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज सुधारक कार्य करते हैं। नंबर 3, अर्थशास्त्री को लाभ। नंबर 1, पारिवारिक बजटों का अध्ययन करने से एक अर्थशास्त्री परिवारों की आर्थिक स्थिति से परिचित हो जाता है। नंबर 2, एक अर्थशास्त्री विश्लेषण तैयार कर लेता है। नंबर 3, पारिवारिक बजटों को आधार बनाकर ही अर्थशास्त्री सरकार को कर लगाने के सुझाव देते हैं। नंबर 4, अर्थशास्त्री नागरिकों के रहन-सहन के स्तर से परिचित हो जाते हैं। सरकार को लाभ, नंबर 1, पारिवारिक बजटों का अध्ययन करके सरकार लोगों की आर्थिक दशा से परिचित हो जाती है। नंबर 2, सरकार समाज की आर्थिक असमानता को दूर कर सकती है। नंबर 3, सरकार लघु बचतों को बढ़ावा दे सकती है। नंबर 4, सरकार राष्ट्र के आर्थिक विकास की नई राह निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंजल्स का नियम। डॉक्टर एंजल्स जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता है। वस्तु, मकान, ईंधन और प्रकाश पर व्यय का प्रतिशत स्थिर रहता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रतिदर्श बजट का निर्माण करना। तीनों आय वर्गों के संदर्भ में पारिवारिक बजट का प्रारूप। व्यय की मदें भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, व्यक्तिगत व्यय, अन्य व्यय, बचत। उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, इनकी इनकम के अकॉर्डिंग इनका बजट तैयार किया गया है।